भाई साहब, हम चिलवरिया के निवासी हैं और यहाँ हमारा 1900 में 4 एकड़ ज़मीन पर रही, बगल में है जस्ट नाले के, और नाले के पानी से भाई साहब मेरा करीब करीब में 4 एकड़ में नुकसान काफ़ी हुआ है। हम पानी में ही खड़े हुए हैं, उस धान को हम अपनी कटाई कर रहे हैं, जबकि 15 सितंबर से बरसात नहीं हुई है। ये हर बच्चा बच्चा डिस्ट्रिक्ट का जानता है कि पानी चिलवरिया शुगर फैक्ट्री से आ रहा है और काफ़ी मात्रा में आ रहा है। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, हम भी पानी में खड़े हुए, यहीं से हमारा मार्ग जो है जाता है। चीनी मिलों में ETP प्लांट लगाना आवश्यक है। इसके बावजूद भी संभावली चीनी मिल चिलवरिया में प्रदूषित जल चीनी मिल से निकल करके खेतों की ओर पलायन कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर किसानों की फसल सूख रही है। हमारे साथ DCO मौजूद है, आइए मैं उनसे जानता हूं कि इस संबंध में वो क्या कदम उठा रहे हैं और जो किसानों का नुकसान हो रहा है और उस पर अंकुश कब तक लगाने का वो कदम उठा रहे हैं। DCO साहब, एक यहाँ पर चीनी मिल है, वहाँ पर किसानों ने आपसे भी शिकायत की है कि यहाँ पर कचरा निकल रहा है, गंदा पानी, जहरीला पानी किसान फसलों को नष्ट कर रहा है, फसलें सूख रही है, इस संबंध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जांच करवाऊंगा। इस चीनी मिल में ETP तो लगा है, लेकिन पिछले 7 महीने से चीनी मिल बंद है। प्रदूषित पानी कहाँ से आ रहा है और इनका किस स्रोत से निकल रहा है, इसकी जांच करवाने के बाद